बस मुझ पे वार किया है, पर मेरा खुदा जान सो हे गाइस, जैसे कि अभी आपने प्रीव्यू में ये इंस्टाग्राम की वायरल रील देखी है, गाइस ये वीडियो इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल चल रही है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड से इस रील की एडिटिंग करने बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, देन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अब मैंने अपनी फोन की स्क्रीन को ओपन कर लिया है। सबसे पहले इस वीडियो की एडिटिंग के लिए आपको VPN को कनेक्ट कर लेना किसी भी ओके अपने फोन से। उसके बाद कैपकट ऐप को ओपन करना है। अगर डाउनलोड करना है सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आईफोन में एंड एंड्रॉयड में आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो न्यू कैपकट लेटेस्ट वर्जन, वो मैंने दे रखा है। ओके, सो एडिटिंग के लिए न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। कोई भी गाइज, आपको यहाँ पर अपनी एक वीडियो ऐड कर लेनी है जिसकी आप रील एडिट करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं इस वीडियो को जो मैंने ऐड करा है इसकी वॉल्यूम को यहाँ से म्यूट करूँगा और उसके बाद दो फिंगर की मदद से गाइज इसको मैं जूम करूँगा, ठीक है। और जहाँ से मैं ऐड करना चाहता हूँ, देख रहे हैं आप, ये देखिए, तो जहाँ से मैं ऐड करना चाहता हूँ यानी कि यहाँ से मैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग करने वाला हूँ, तो वीडियो पर क्लिक करूँगा, स्प्लिट करके फर्स्ट वाला का जो फालतू पार्ट है एडवांस, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। बस यहाँ से मैं एडिट करने वाला हूँ। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है गाइस, हमें दो फिंगर की मदद से जूम करना है। जूम करने के बाद स्टार्टिंग में देखिए 0 सेकंड है, हमें जाना है 1 सेकंड पर। तो ये देखिए 1 सेकंड ये आ गया। 1 सेकंड पर आने के बाद वीडियो पर क्लिक करना है और स्प्लिट कर देना है। उसके बाद गाइस हमें क्या करना है, सबसे पहले जो सेकंड वाला पार्ट बचा है इस पर क्लिक करना है, स्पीड पर क्लिक करना है नॉर्मल पर, और इसकी स्पीड कर देनी है 0.3x, देन राइट पर क्लिक कर देना है। ओके, सो अब गाइस हमें क्या करना है, हमें जाना है 2 सेकंड पर। ये 1 सेकंड था तो 2 सेकंड ये आ गया, और 2 सेकंड पर जाने के बाद दो फिंगर की मदद से और जूम करना है। 2 सेकंड के बाद 5f 10f 10f पर आने के बाद वीडियो को गाइस फिर से क्लिक करना है और स्प्लिट कर देना है। ऐसे ही एक स्प्लिट और लगाना है जो कि 3 सेकंड पर, तो 3 सेकंड ये आ गया, 3 सेकंड के बाद 5f 10f 15f, ठीक है, तो 15f पर स्प्लिट कर देना है। सो ओके, देन उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट बचा है इस पर क्लिक करना है, स्पीड पर क्लिक करना है, नॉर्मल पर क्लिक करना है, इसकी स्पीड कर देनी है सिंपल नॉर्मल 1.0x, देन राइट पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्प्लिट हमें लगाना है 6 सेकंड पर, ठीक है। सो 6 सेकंड, 5 सेकंड ये आ गया और गाइस 6 सेकंड, ठीक है, 6 सेकंड पर हमें आना है और सिंपली गाइस वीडियो पर क्लिक करके स्प्लिट कर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट बचा है इस पर फिर से क्लिक करना है, स्पीड पर नॉर्मल पर, इसकी स्पीड कर देनी है 0.3x, ओके, देन राइट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सो अब हमें नेक्स्ट स्प्लिट लगाना है, 6 सेकंड आ गया 20f पर, 6 सेकंड, 5f 10f 15f, देन 20f, और वीडियो पर क्लिक करके इस वाइज स्प्लिट कर देना है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट स्प्लिट हमें लगाना है 8 सेकंड पर, तो 7 सेकंड और 8 सेकंड, 8 सेकंड पर आने के बाद फिर से स्प्लिट कर देना। नेक्स्ट स्प्लिट एक और लगाना जो कि 8 सेकंड पर ही, बट 5f 10f 15f 20f एंड 25f पर, ठीक है, फिर से स्प्लिट। देन एक स्प्लिट और जो कि हमारा लास्ट स्प्लिट है, 9 सेकंड पर आ गए, 9 सेकंड पर आने के बाद 5f 10f 15f बस, ठीक है, देन स्प्लिट कर देना। लास्ट में आना 10 सेकंड पर, 10 सेकंड पर आकर के भी एक स्प्लिट कर देना बस। अब हमें कोई स्प्लिट नहीं लगाना है, स्टार्टिंग में आना है, ऐड ऑडियो पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्टेड पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइज हम एक ऑडियो ऐड कर लेंगे जो कि ये, ओके, हमने इस ऑडियो को ऐड कर लिया। जहाँ तक हमारी ऑडियो है अपनी वीडियो पर क्लिक करके स्प्लिट कर देंगे, लास्ट का जो फालतू का पार्ट है इसको डिलीट कर देंगे। इस ऐप का एक छोटा सा वाटरमार्क आएगा, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। ओके, अब स्टार्टिंग में आना है। अब गाइस हमने ओनली स्प्लिट लगा लिया, अब एडिटिंग देखते हैं। गाइस इजी है, कोई भी ज़्यादा हार्ड एडिटिंग नहीं है। तो सबसे पहले गाइस हमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट पर आना है, इस पर क्लिक करना है। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे इस साइड, फोर्थ पार्ट पर आने के बाद तो मिलेगा फिल्टर्स, फिल्टर्स पर क्लिक करना है। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो मोनो, मोनो पर क्लिक करना है, और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा VW3। ओके, पहले मैं वॉल्यूम को कम कर लेता हूँ, बाद में आपको वॉल्यूम के साथ प्ले करके दिखा दूंगा। VW3 की इसको फुल कर देना है, देन राइट पर क्लिक कर देना है। ओके, ये हमारा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। ओके, सो अब हमें स्टार्टिंग में आना है, ठीक। स्टार्टिंग में आने के बाद गाइस अब हमें क्या करना है, सबसे पहले गाइस आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये देखिए जो ब्लैक एंड वाइट वाला पार्ट है हमारा ये, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट वाला पार्ट हमारा ये है। इसके पहले 3 माइनस है, ठीक है, 3 माइनस, तो स्टार्टिंग वाले माइनस पर क्लिक करना है फर्स्ट वाले पर, और वाइट फ्लैश इसकी ड्यूरेशन करनी है 0.3, ठीक, देन राइट पर क्लिक कर देना है। सेकंड वाले माइनस पर क्लिक करना है वाइट फ्लैश, इसकी ड्यूरेशन ऑटोमेटिक सेट हो गया, देन राइट पर। जो थर्ड माइनस है इस पर क्लिक करना है, बट इस पर हमें वाइट नहीं लगाना, इस पर लगाना है ब्लैक फेड, ठीक है, इसकी भी कर देना ड्यूरेशन 0.3, ठीक, देन राइट पर क्लिक कर देना है। इतना हो गया, अब फिर से स्टार्टिंग में आना है।
फर्स्ट वाले पार्ट पर क्लिक करना, एनिमेशन पर क्लिक करना है। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे इस साइड तो मिलेगा रोटेशन ओपनिंग, इसको लगा देना है, देन राइट पर क्लिक कर देना है। अब स्टार्टिंग में आ जाना है, इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पर क्लिक करना है और हेलो ब्लर पर क्लिक करना है। एड जस्ट पर क्लिक करना है, इंटेंसिटी को फुल कर देना है, स्पीड को 20, देन राइट पर क्लिक कर देना है। और इस इफेक्ट को हम लगाने वाले हैं अपने 6 सेकंड वाले पार्ट तक, जो कि हमारा 6 सेकंड वाला पार्ट है उस पार्ट तक। ओके, अब यहाँ से इस साइड का काम हमारा पूरा हो गया है। अब इस साइड को आते हैं, ये भी बिल्कुल आसान है। जो 6 सेकंड वाला पार्ट है यानी कि ये, इस पार्ट पर क्लिक करना है, एनिमेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर लगाना है रोक हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और इसको कर देना 0.4, ठीक है, या फिर इसको फुल कर देना, ठीक है। देन इसको हमें क्या करना है, राइट पर क्लिक कर देना है। फर्स्ट वाले पर हमने ये लगा लिया, उसके बाद जो ये 2 माइनस है, फर्स्ट सेकंड, इस माइनस पर क्लिक करना है। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे सुपर इम्पोज, इस पर क्लिक कर देना है, देन उसके बाद जो माइनस है इस पर भी क्लिक करना है और सुपर इम्पोज, देन राइट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर हमने सुपर इम्पोज लगाया था, अब उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा इस पर क्लिक करना है, एनिमेशन पर और फिर से रोक हॉरिजॉन्टल, देन राइट पर। उसके बाद गए जो लास्ट में 2 माइनस ऑप्शन है, इन दोनों माइनस पर सुपर इम्पोज, देन इस पर भी सुपर इम्पोज, ठीक है। ये देखिए, अब मैं एक बार और आसानी से आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारा ब्लैक एंड व्हाइट वाला पार्ट है, यानी कि 6 सेकंड से इधर वाला पार्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट वाले पार्ट हमारे स्टार्ट होते हैं, इस पर हमने लगाया एनिमेशन, फिर सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज, फिर एक में एनिमेशन, फिर सुपर इम्पोज, फिर सुपर इम्पोज, यानी कि सुपर इम्पोज 2 में स्टार्टिंग है, फिर एनिमेशन, फिर सुपर इम्पोज, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत आसानी से समझ गए होंगे, जैसे मैंने आसान तरीके से आपको बिल्कुल एडिटिंग आज बताई है, ठीक है। अगर अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक एंड फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ट्रेंडिंग से ट्रेंडिंग टॉपिक पर रील्स वायरल जो होती है उनकी एडिटिंग लाता रहता हूँ। तो चलिए मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तूने तो पीठ पीछे से बस मुझ पे वार किया है, पर मेरा खुदा जानता है। सो आपने देखा गाइस, प्रोफेशनल रील जो है हमारे यहाँ पर एडिट होके रेडी हो गया है। अब गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर एरो पर क्लिक करना है, देन विदाउट किसी प्रॉब्लम के गैलरी के अंदर वीडियो सेव हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।